वालेकुम भी उम्मीद करता हूँ आप सारे होंगे ठीक ठाक। हाँ जी मलियन भाई, आज से 3 महीने पहले एक व्लॉग लगा था जिसमें हिमालयन ने जो है बच्चे दिए थे लेकिन मार दिए। नहीं, वो बात है पुरानी, लास्ट टाइम भी हिमालयन दिए थे लेकिन हिमालयन केयर नहीं थी करती। आज फिर सुबह बल्कि कल रात को हिमालयन काले मुंह वाली ने जो है बच्चे दे दिए, लेकिन मैं हैरान हूँ काला बच्चा किधर से आ गया। खैर भाई, ये देख सकते हो इधर भी रस्सी डाली है, इधर भी रस्सी डाली हुई है। आप लोगों को पता है कि हिमालयन क्या चीज है, बच्चे बच्चे संभालने आते कोई नहीं, कोई बस बच्चे दे देने संभालने हैं कोई नहीं, तो इसलिए इसे रस्सियों से बांधा हुआ है। तो इधर जो है हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह भी लगा के रखे हुए हैं ताकि हवा ना लगे बच्चों को, बच्चे भी इतने हैं भाई। बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जग्गू जिधर बांधते हैं हम लोग, दीवारें काली हो जाती है। एक होता है कि गंदी हो जाना दीवार, नहीं दवार काली हो जाती है, काली मतलब इस जगह पे जो है ना थोड़ा सा ग्रे कलर है, लेकिन इधर हमारा जग्गू बांधा होता है। कोई चीज नहीं ये छोड़ता जग्गू भाई। सोचने वाली बात तो है ये हिमालयन, ये काला बच्चा किधर से आया, ये किधर से आया है भाई। फुल ब्लैक के अंदर है, माना दो व्हाइट हैं, ठीक है भाई, वो तो गए हिमालयन पे, ये काला किस पे चला गया। लेकिन गाइस है बहुत मस्त ब्लैक वाला भी ना, फुल ब्लैक के अंदर है भाई, प्यारा लग रहा है। वैसे जो है हिमालयन को मैं ताने शाने मार रहा था, उसके आ जाता है हमारे पास एक क्यूट सरा छोटा सरा व्हाइट। ओए हिमालयन, हिमालयन ने बच्चों पे हाथ रख लिया, हिमालयन दे दे भाई। एक आ जाता है ये वाला, हिमालयन साहब इस दफा मारने नहीं है बच्चे, केयर करनी है अच्छी वाली। और इस दफा हम लोग भी हिमालयन पे अपनी दोनों नजरें रखेंगे भाई। ये देखो मैंने रस्सियां लगा के रखी हुई हैं। इसका काम पता क्या होता था लास्ट टाइम, बच्चे दे दिए दूध पिलाना नहीं, उठ के बस भागो पिंजरे से। सारा सारा दिन हिमालयन जो है बाहर फरार रहती थी, इसलिए इसके ना दो किरण की डेथ हुई थी लास्ट टाइम आई थिंक। तो इस दफा जो है आपका भाई पूरी केयर शेयर करके रखेगा, लेकिन उससे पहले जाके जरा जग्गू पे तो नजर मारे और जाकर उससे पूछे कि दीवार क्यों काली की है। मैं बताता हूँ कि जग्गू किधर है। जग्गू ये चेक करो, उसे पता था बॉस आ रहे हैं, दरवाजा खोल देना है। थैंक यू जग्गू, थैंक यू, इतनी इज्जत तो घर में कोई नहीं करता। जग्गू ने दरवाजा खोला मेरे लिए हैं भाई, उसने जो दरवाजा दोबारा बंद कर दिया, तू बाहर ही रह। जग्गू मैं हूं। ओ भाई, इसको हमने इधर बंद किया था कि चलो यार वॉशरूम जो है ना बड़ा ठंडा होता है, क्योंकि ये वॉशरूम जो है ऐसे भी कोई यूज नहीं करता, फ्री पड़ा होता है। तो यार जग्गू अंदर खुश रहेगा, उसने अंदर टूटी कराई है पूरा स्विमिंग पूल भाई। जग्गू ये क्या हो रहा है इधर, सही है यार पानी जाया नहीं करना भाई। जग्गू तो वैसे ही फिर चला रहा है, दरवाजा बंद कर दिया है, टुंडी ना लगा ली अंदर से, बेटा अंदर ही रहेगा फिर क्या कहना है भाई। ये देखो किटन जो है ना अकेले बेचारे पड़े हुए हैं, और अम्मा साहब जो है ना सैरे गाड़ियां सैरे। किधर से होके आ रही है तू, बताए ना जरा। अब बच्चों का बड़ा ख्याल आ गया, अगर कोई पास आ जाए तो भागती भी आ जाएगी। वैसे बच्चे छोड़ के गई होती है ये, लेकिन वैसे केयर करती है यार ये है बहुत अच्छी बिल्ली, इसने अपने बच्चों की बहुत अच्छे वाली केयर की है। चलो चलो चले जाते, मतलब मैं आया हूँ ना, आप उसको डायरेक्ट मैं उठा के ना ले जाऊँ, इसलिए बस आगे बैठ गई है भाई। ये देखो चमूने कितने बड़े हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। अब जो है इनकी आईज भी ओपन हो गई है, मैं आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ भाई, ये देखो। लेकिन ये है कि अभी इतने ये खास वो बोले क्यूट क्यूट नहीं लग रहे, क्योंकि अभी थोड़े से जब बड़े होंगे ना फिर ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ जी अम्मा साहब ऐसे ही है ना भाई। मैं जो है अभी कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक चीज आई भाई, हिमालयन के किटन जो है हम लोगों ने इधर रखे हुए हिमालयन भी, बट हिमालयन के किटन इधर सेव नहीं है भाई। रात को इधर थोड़ी सी हवा शवा लग जाए बच्चों को तो फिर मसला हो सकता है। तो इस तरह करते हैं कि नीचे वाली जो कैट के बेबी है ना वो हो गए बड़े बड़े, तो वो कैट के साथ जो है ना बेबी हम लोग इधर ले आते हैं और हिमालयन को ले जाते हैं नीचे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हिमालयन को भी नीचे ले जाओ उसके साथ भाई, वो लड़ाइयां होंगी ना लड़ाइयां, खून खराबा भाई, इन्होंने लड़ लड़ के ना एक दूसरे को मार देना, इतनी लड़ाई होती है भाई। ये जो है हम लोग बास्केट ले आए हैं भाई, इसके अंदर जो है हम लोग पहले डाल लेते हैं ये वाले किटन और लेके चलते हैं ऊपर। एक दो भाई, ये जो है ना तीसरा आ गया जी। माँ जी इन्हें ऊपर लेके जा रहा हूँ भाई। ये जो है ना हिमालयन के साथ लड़ती पड़ी है इनकी अम्मा, फिर कौन सी लड़ती? अच्छा ये वाली भाई, मुझे तो अली बता था कि इनकी अम्मा लड़ती है। हाँ ये भी तो है भाई उसका केस, लेकिन इधर ज्यादा रश हो जाएगा ना फिर बिल्लियां आ जाएंगी। हाँ ये तो है भाई, वो ऊपर होंगे तो फिर ख्याल भी कम होगा, बेचारू हमने अंदर वैसे ही डाल दिया। अच्छा आ जाओ वापिस भाई। ये वाली जो है ना कैटो है जो हिमालयन के साथ लड़ती है, दूसरी तो लड़ती नहीं है। इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर, क्यों है इतना गुस्सा आपके अंदर भाई? इसने भी जो है किटन दिए हुए,
ये इसके किटन पड़े हुए हैं। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, देखो अभी जो है ना पैड़ा दे रही है, तो कोई आए सही मेरे बच्चों के पास नबेड़ दूं उसको मैं। इसके पास जो है ना 1, 2, 3, 4 किटन है लेकिन बहुत छोटे हैं। अब उधर किधर जा रही है जी? ब्लैक किटन देखा, मैं भी लोगों को बता रहा हूँ किधर से आ गया है, किधर से? अच्छा हमालियन का जो काला मुंह है ना उसको भी काला रंग बड़ा पसंद है। फिर भाई हमालियन को हम नीचे ले आते, भाई हमालियन के बेबी को बड़े प्यार से पकड़े और ज्यादा ही प्यार से पकड़े इसका सारी दर लग गया। चलो चलो चलो, और ये है तीसरे वाला। भाई इसकी जुबान कैसे बाहर निकली हुई है। हमालियन आ जाओ। भाई हमालियन कोई बात नहीं मानती, उसको उठाना पड़ता हूँ। चलो भाई हमालियन अंदर, चलो 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 चलो, ये चीज हमालियन गुड। लो अभी बंद कर दिया, अब हमालियन इसी पिंजरे के अंदर रहेगी 1 महीना पूरा। सुन लिया ना हमालियन? भाई बड़ी मुश्किल से जो है ना ये हमने केज नीचे लेके आया हूँ। भाई लोग मेरे से मना नहीं, क्योंकि आपको भाई अकेला लेके आया, ऐसे ऊपर से नीचे मैंने फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, आराम से लेके आया हूँ। ओह ओह, हमालियन तो ऊपर ही रह गई। ओए चलो हमालियन, कुकी फूकी रस्ते में बैठी हुई है। आ जाओ, क्या है कोको इसके अंदर? इसके अंदर काले मुंह वाली। आजो कोको, आजो। भाई कोको भी जो है देखने आई, अंदर है क्या? कोको बच्चे उठाओ और पिंजरे के अंदर डाल दो, थक गया हूँ कोको मैं। ओए ओए बड़ा हो गया ये, देखो क्या कर रहा है। जा मालियन, नई दुनिया आ गई। भाई ये गई है मालियन अंदर, कोको तू भी अंदर चले जा साथ साथ। इतनी साथ लगी हुई है कोको। नो कोको, टैग ही ना कर दे भाई कोको। ये उठाया 1, मैं अपने बच्चे संभालो। ये उठाया 2, और ये भाई तीसरे वाला इधर रख देते हैं। अब भाई बंद कर दिया, बस रस्सियां लगा लेनी है हमालियन को, क्योंकि हमालियन है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना चिड़ियाघर। इधर भी किटन्स हैं, इधर भी किटन्स हैं, और इधर भी किटन्स हैं, और इधर आपका भाई। कोको नो, आ जाओ भाई, आपका इधर क्या काम है, इधर तो कैट्स हैं सिर्फ। आ जाओ। चलो गुड भाई, अभी तक जो है बिल्कुल सुकून है। हमालियन देखो अपने केज में किस तरह जो है बैठी हुई है सुकून से। ये भी अपने केज में ही है, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके दरवाज़ा खोलने की बार बार कोशिश कर रही है। दरअसल भाई इसके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, सो अब जो है इससे बर्दाश्त ज़्यादा नहीं होता। तो भाई 1-2 दिन तक इसे हम छुट्टी दे देंगे, फिर हम इसके बच्चों को चिकन पे लगाएंगे। लेकिन इसको अभी से ही बड़ी जल्दी है बाहर निकलने की। और एक जो है ये है भाई, इसको दरवाज़ा भी नहीं हमने लगाया हुआ, फिर भी अपने बच्चों के पास बैठी रहती है। जब दिल करता बाहर आ जाती है, इधर बैठ जाएगी, फिर अंदर जाके बैठ जाएगी। आने वाले दौर में मुझे जरूर पता है हमालियन और इसकी लड़ाई जरूर होनी है। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मैं रखूंगा हमालियन का ख्याल, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।